हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छोटू रियल डिज़ाइन ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आप आज की मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको एक मास्क बनाने का आसान तरीका मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमें उसके नीचे क्या चाहिए होगा, हमें उसके नीचे होगा एक पतला वाला इलास्टिक जो कि खींचने वाला है। एक हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जब भी हम मास्क बनाएंगे तो ये बनाएंगे हम कॉटन के कपड़े में, क्योंकि ना ही हमने सिल्क चलेगा, ना टेरिकॉट और ना ही लीलन, क्योंकि लीलन ये कपड़े हमारी स्किन के लिए काफ़ी सेंसिटिव, मतलब ठीक नहीं होते हैं, जिससे हमारी धूल मिट्टी उसमें आराम से घुस सकती है और ये हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसके लिए हम कॉटन का कपड़ा लाएंगे, और कॉटन का कपड़ा ऐसा है कि आपकी स्किन को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, पहले मैंने इसको स्लिंग कर लिया है, और मैंने स्लिंग करने के बाद मैंने इस कपड़े को अच्छी तरीके से चारों कोनों में फोल्ड कर लिया है। मैंने इसको इस तरीके से लंबाई में इसको रखा है 8, और ऐसे में भी रखा है इसको 8.5। ये हमने इस तरीके से चारों कोनों को हमने फोल्ड कर लिया है। पहले फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको बीच में से इस तरीके से पहले हम इसको बीच में मिला देंगे। इसको हम बीच से अच्छे तरीके से वो कर देंगे, एक साथ हम इसको बीच में से सेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से 1 इंच इधर को और 1 इंच ऊपर को, 1 इंच नीचे को हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड हम ये करेंगे जब ताकि हम इसको मुंह पे मास्क लगाएं तो ये हमारा इतना गैप लगा रहे और ये हमारे स्किन के, मतलब हमारे चेहरे पे एकदम परफेक्टली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोनों पे हम सिलाई मार देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, एक एक पैर से पक्की सिलाई मार देते हैं। जब हम इसको मुंह पे पहनेंगे तो हम इस तरीके से, जब इसको पहनेंगे तो हमारा आराम से चेहरे पे इस तरीके से आराम से आ जाएगा, जिससे हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। और ये आप छोटे मोटे टुकड़े भी ला के, आप घर में जैसे हैंकी वगैरह कॉटन के मिलते हैं, आप उसको भी इस मदद से बना सकते हो आराम तरीके से। और इस तरीके से आप पतला वाला इलास्टिक ले लीजिए। तो हम इलास्टिक को काटेंगे, इलास्टिक को हम लेंगे, तो हम इसको लेते हैं 7 इंच और 7.5, क्योंकि ये हमारा थोड़ा थोड़ा दबेगा, तो 7.5 इंच पे हम इसको कट कर लेते हैं दोनों साइड का। हमने दोनों साइडों पे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक इस कोने में और एक इस वाले कोने पे रख के हम दोनों तरफ से सिलाई लगा देते हैं पक्की करके, यहाँ पर और एक इस कोने में, दोनों कोनों पर हम सिलाई लगा देते हैं। जैसे हमने इस कोने पे लगा दिया इलास्टिक, वैसे ही हम उस कोने पे, इसलिए हमने इलास्टिक इसमें इसलिए यूज़ किया ताकि जब हम अपने पहने तो हम इसको बड़ा आराम से पहन सकते हैं। अगर ये आपको लूज लगे तो आप इसको यहाँ से सिलाई लगा के फोल्ड कर सकते हैं, ताकि आपकी फेस के हिसाब से परफेक्ट हो जाए। तो हम दूसरी साइड भी इस तरीके से, जैसे हमने पट्टी इधर लगाई थी, हम दूसरी साइड भी ऐसे इन दोनों कोनों पे हम सिलाई पक्की करके लगा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा ये दोस्तों एक आराम से प्यारा सा मास्क बन चुका है। तो कभी भी आप बनाएंगे तो इसको बीच में इस तरीके से प्लेट जरूर डालें, 1-1 इंच की। अगर आप प्लेट नहीं डालेंगे तो ये आपको पहनने में बहुत दिक्कत देगा, लेकिन आप कभी बनाएंगे मास्क तो ये आप कॉटन के कपड़े में ही बनाना। तो आप देख सकते हो हमने कितनी जल्दी, 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने एक अच्छा सा मास्क बना लिया है। तो आप चाहो तो इस तरीके से मास्क बना बना के आप इसको मार्केट में भी बेच सकते हो, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है मास्क। तो आप इसको आराम से अपने घर में बनाइए, अपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करें और उसको कपड़े को, उसके बाद इसको मास्क को बनाएं और इसको अपने प्रयोग में ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आप ऐसी नई से नई वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।